अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ साइड में जो है दिखाने वाला हूँ, जो है साइड में दिखाने वाला हूँ, आप इसको जो है जरूर देखिए, बिकॉज ये जब तक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो आपको शायद हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको साइड में दिखा रहा हूँ, इस चीज को आप जरूर समझिए पहले। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन को ऑन कर दिया है और आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं अपने प्ले स्टोर के ऊपर। जी हाँ, मैंने ये अपना प्ले स्टोर ओपन किया और प्ले स्टोर को ओपन करके मैंने यहां पे डाला इकोसिस्टम ऑन पैसिव। जी हाँ, क्या डाला? इकोसिस्टम ऑन पैसिव। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं? आप यहां पे ये देख रहे हैं कि इकोसिस्टम ऑन पैसिव 2023 और ये किसी का नाम भी नीचे लिखा हुआ है स्टूडियो करके। ये क्या है? अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ओ फाउंडर्स एआई, उसके बाद ओ फाउंडर्स एआई ऑन पैसिव, उसके बाद ओ फाउंडर्स एआई सपोर्ट ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गो फाउंडर फास्ट वेब ब्राउजर, इकोसिस्टम, उसके बाद यहां पे देखिए ओ वॉलेट, ओ फाउंडर्स नेट, इस टाइप के बहुत सारे चीजें जो है हमारे इस प्ले स्टोर पर धीरे धीरे आ रही हैं। जी हाँ, इस प्ले स्टोर पर आ रही हैं और हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं इस ऑन पैसिव, इस इकोसिस्टम ऑन पैसिव 2023 पर, तो यहां पे आप देखिए यहां पे 10,000 प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। जी हाँ, 10,000 प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, 3+ की इसकी रेटिंग चल रही है और इस हिसाब से यहाँ पे ये एक फिगर बना करके, यानी कि इमेजेस बना करके यहाँ पे अंदर ये डाल दी गई हैं। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस प्ले स्टोर के ऊपर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया है। आया है क्या? कभी अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया है, कोई भी चीज नहीं आई है। जब यहां पर एप्लीकेशन नहीं आया है तो हम इस प्ले स्टोर से बहुत सारी चीजों को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, अपने फोन के अंदर इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं? जब भी हमारे इस प्ले स्टोर के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एप्लीकेशन आती है तो वो हमें सबसे पहले बैक ऑफिस के अंदर पता चलेगी या फिर हमारे इकोसिस्टम का अपडेट वाला जो टैब है उसके अंदर पता चल जाएगी। और अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन कंपनी बनाती है और बना रही है, आने वाले टाइम में मिलेंगे हम सब लोगों के लिए, तो वो कहां से मिलेंगे, हम कहां से उनको इंस्टॉल करेंगे, हम कहां से उनको डाउनलोड करेंगे अपने फोन के अंदर। अभी ये पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अभी ये आप सोचें कि प्ले स्टोर पे आएगा, जरूरी थोड़ी है कि ये प्ले स्टोर पे आए, ये किसी दूसरे एप्लीकेशन पे भी आ सकता है या फिर कंपनी अपना खुद का एक प्ले स्टोर बना सकती है, ओ स्टोर के नाम से भी बना सकती है, जहां पे कंपनी अपने बहुत सारे जो भी मोबाइल के एप्लीकेशन बनेंगे वो अपने अलग ही डाले, जिससे कि एप्पल्स के होते हैं ना, तो एप्पल्स के बहुत सारे एप्लीकेशन जो है उसके अलग ही स्टोर पे मिलते हैं। तो इस तरीके से यहां पे अभी हम सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई देता है कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, बिल्कुल वहीं पे आप सतर्क हो जाइए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि कस्टमर के लिए भी बोल रहा हूं, जो हमारे नए लोग भी आने वाले हैं। अब इससे होगा क्या? अब मैं यहां पे अपनी स्क्रीन को थोड़ा बंद कर देता हूं। ओके, मैं इसको आपको दिखाना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है यहां पे, और इसको मैं बंद कर देता हूं यहां पे। ओके, ये आपको यहां से इंस्टॉल क्यों नहीं करना है, उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। प्ले स्टोर पर जो हम सब लोगों को दिख रहा है, 10,000 लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है और कंपनी का अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जाने अनजाने में जो है लोग इस तरीके के काम कर लेते हैं। अब करते कौन है? जो अपडेट नहीं रहते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या अपने ब्लेसर के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिजी रहना भी जरूरी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन अगर आप ऑन पैसिव के अंदर आपने अपनी आईडी को लगाया हुआ है तो आपको जरूरी जानकारी जो अपने पास जरूर रखनी है। हमें एप्लीकेशन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बैक ऑफिस में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि फाउंडर्स के लिए ही बैक ऑफिस बनाया गया है, अदरवाइज किसी कस्टमर के पास बैक ऑफिस नहीं होगा। दैट इज अ ग्रेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाउंडर।
ये हम सब फाउंडर की एक सबसे बड़ी पहचान है कि हम सब लोगों के पास बैक ऑफिस है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है आपके पास, अगर वो कहता है कि मैं फाउंडर बोल रहा हूं, आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो आप उससे बैक ऑफिस का जो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है वो मांग लीजिए, बात खत्म। अगर उसके पास फाउंडर है तो उसके पास स्क्रीनशॉट जरूर होगा। उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए उससे आधार कार्ड मांग लीजिए, वेरीफाई तुरंत हो जाएगा। आधार कार्ड मांग लीजिए और इको बैक ऑफिस का प्रोफाइल का पूरा डिटेल उससे मांग लीजिए, वेरीफाई तुरंत हो जाएगा वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का हमें वेट करना है। यदि आपकी डिवाइस के साथ कुछ हो गया तो इसके आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। आपका कोई ब्लेसर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कंपनी इसकी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप खुद इसके रेस्पॉन्सिबल होंगे। आपको पता है दिस इज टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है जो आप मोबाइल फोन में आज वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे आपको पता है ना कि क्या क्या हो रहा है। आपके ही मोबाइल फोन के अंदर कोई भी घुस सकता है, लेकिन अगर हम उसको घुसने की इजाजत देंगे, परमिशन देंगे, तभी तो वो घुसेगा, वरना किसी की मजाल थोड़ी है वो हमारे फोन के अंदर आके घुस जाए। हम किसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, हो सकता है हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे, हो सकता है, या ऐसे ही फेक एप्लीकेशन बना करके भी बहुत सारे लोग प्ले स्टोर पर डाल देते हैं, तो इससे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं झांसे के अंदर। लेकिन जो एक्टिव रहते हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वो कभी भी झांसे में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। तो यहाँ पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दैट इज टोटली फेक, ये सब टोटली फेक है, हमें इन सारी चीजों से बचना है। अभी सब कुछ फेक हो रहा है प्ले स्टोर के ऊपर, कोई भी चीज रियल नहीं है। और हाँ, खास तौर से मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, हम सब लोग तो है ही हैं फाउंडर्स, लेकिन जो आपके साथ नए लोग भी आ रहे हैं आप उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपके साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं आपके लिंक के माध्यम से आ रहे हैं, या फिर जो कंपनी के माध्यम से आ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी इस चीज को समझें कि अगर आप एक कस्टमर हैं, अगर आप एक नए यूजर के रूप में यहाँ पे स्टोर इकोसिस्टम के माध्यम से आए हैं, तो प्ले स्टोर पे जाने से बचें, खास तौर से ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि ऑन पैसिव का कोई भी डाटा अभी प्ले स्टोर पर नहीं है। बाकी आप अदर कामों के लिए प्ले स्टोर का इस्तेमाल करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑन पैसिव का कोई भी डाटा प्ले स्टोर पर नहीं है। दिस इज टेक्नोलॉजी, एनीथिंग कैन हैपन। आपके साथ अगर कल को कुछ हो गया तो इसमें आप किसी को भी जो है कोई भी जिम्मेदारी मत देना कि ये आपकी वजह से हो गया, ये उनकी वजह से हो गया। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपकी टेंशन बढ़ जाएंगी, उसके बाद आप फोन पे फोन करेंगे, और इसके बाद हम सब लोगों को वास्तव बाद में जो है फिर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आईडी के साथ कुछ हो गया तो इसमें ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना ही कंपनी कुछ कर पाएगी, रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि फेक इकोसिस्टम एप्लीकेशन से जो है आप सावधान रहें, कोई भी आपको प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए रियल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही सतर्क रहें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और एक क्लिक में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।